एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर पर हम क्लीनअप कैसे कर सकते हैं। बाहर से थोड़ी सी आवाज आ रही है तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। तो घर पे क्लीनअप कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आपको अपने घर पर अपने स्किन की बहुत अच्छे से केयर करनी होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने स्किन की केयर करते हैं तो आपकी स्किन पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। खासकर टैनिंग की, ब्लैकहेड्स की, जो कि लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी कर ले ब्लैकहेड्स हमारे फेस पे आते ही रहते हैं, तो ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी, टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्किन जो है वो आपकी मॉइस्चराइज रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, स्मूथ रहेगी। तो हम जो आज का जो वीडियो है, हम ये क्लीनअप 3 स्टेप्स में फॉलो करेंगे, सॉरी 4 स्टेप्स में। तो क्लीनअप का जो बेसिक सबसे पहला है, कुछ चीजें हमें लानी होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये। बहुत ही ये आयुर का डीप क्लींजिंग मिल्क है, क्लींजिंग मिल्क। इससे क्लीनअप के पहले हम अपने फेस को क्लीन करते हैं, तो क्लींजिंग मिल्क। सेकंड जो हमारा है वो है ये स्क्रब। इसके बाद है ये स्किन व्हाइटनिंग फेशियल क्रीम है ये, और थर्ड है ये फेस पैक। अब ये सारी चीजें मुझे मिली है सिर्फ 400 रुपीज में, और आप इनकी क्वांटिटी देख सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू भी कर दूंगी, लेकिन अभी इसमें रिव्यू करूंगी तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये क्लीनअप का वीडियो है। तो हम क्लीनअप स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, और मैं आपको बता रही हूँ कि 3-4 महीने 5 महीने आराम से ये जाएगा, क्योंकि आपको हर वीक में नहीं करना है, 10 दिन 15 दिन में एक बार करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना होगा क्लीनअप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा क्लींजिंग मिल्क, और फेस को, मतलब आपने अगर फेस वॉश किया भी होगा तो भी एक बार क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करेंगे तो क्या होता है कि आपकी ये जो है अंदर से पूरे डर्ट को निकाल देता है और फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। अगर आप अपने स्किन की सफाई करके स्किन पर नेचुरल ग्लो लाना चाहते हैं तो क्लींजिंग मिल्क जरूर अप्लाई करें। ये बाहर की धूल मिट्टी और हवा से आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, स्किन को जमा बनाए रखता है, साथ ही साथ पोर्स के नीचे जो गंदगी जमा हो जाती है उसे जमा नहीं होने देता, जिससे आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल रोज़ कर सकते हैं। रोज़ रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए और अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनाए रखता है। तो बारी आती है सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में हम लेंगे स्क्रब। इतनी सी क्वांटिटी लगती है, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्क्रब के स्टेप्स तो आपको पता ही होंगे, अगर स्टेप्स नहीं पता है तो आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप मैंने सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से बताए हैं। तो स्क्रब आपको सिर्फ 5 मिनट तक करना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। हल्के हल्के से मसाज करनी है आपको आपके पूरे फेस पे। स्क्रब करने से क्या होता है कि स्किन की गंदगी तो निकल ही जाती है, ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूव हो जाते हैं, साथ ही साथ जो भी डेड सेल्स होते हैं आपकी जो स्किन पे मृत कोशिकाएं होती हैं वो सारी रिमूव हो जाती है, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है तो वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी अगर धीरे धीरे आप ये करते रहेंगे। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है स्क्रब। स्क्रब जो होता है ये आपकी स्किन पर होने वाले फ्लेक्स यानी कि रूसी जैसे दिखने वाली पपड़ी को निकाल देता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है, चमकदार बनाता है। इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं ये आपकी पुरानी स्किन को न्यू स्किन से बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। जब चेहरे से डेड स्किन, पपड़ी, गंदगी हट जाती है तो स्किन में निखार आता है, चमक आती है और आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट लगती है, जिससे जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपके फेस पे तो बहुत अच्छे से वो निखर कर आता है। इसलिए हमारे स्किन को स्क्रब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो स्किन केयर में स्क्रबिंग ज़रूर शामिल कीजिए। सो हमारी स्क्रबिंग हो चुकी है। इस तरीके से बाउल में मैंने एक नैपकिन ली है और मैं अपने फेस को अच्छे तरीके से वाइप कर लूँगी। ये
यह फेशियल क्रीम स्किन वाइटनिंग क्रीम है डॉक्टर रशेल की। तो इस क्रीम से आपको आपके फेस को 20 मिनट तक मसाज करना है, कम से कम 15 मिनट तो करना ही करना है। ताकि क्रीम अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। देखिए जिस तरह से मसाज जो होता है वो हमें रिलैक्स देता है, तनाव से मुक्ति देता है, उसी तरीके से जब फेशियल मसाज आप करते हैं, आप अपने स्किन की मसाज करते हैं, फेस की मसाज करते हैं, फेशियल क्रीम का काम ही होता है फेस की मसाज करना। तो आप सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे और अच्छे से मसाज देंगे तो आपका मतलब आपकी स्किन जो है वो ब्लड सर्कुलेट करेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे त्वचा की रंगत को बढ़ेगी, साथ ही साथ त्वचा की रंगत तो बढ़ेगी ही और चेहरे पर एक अलग सा निखार होगा। तो ये आपके स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप फेशियल मसाज कीजिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और फेशियल मसाज जो होता है ये आपके चेहरे की झुर्रियों को, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को भी ख़त्म करता है, जिससे चेहरा जवां दिखता है। अगर आपकी एज बढ़ने लग गई है तो आपको हर 15 दिन में एक बार फेशियल ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल टाइट रहे, खिंची खिंची ना रहे, झुर्रियाँ वगैरह ना रहें और बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ दिखे, चमकदार दिखे। फेशियल क्रीम से क्या होता है, कील, मुहासे, दाग धब्बे भी कम होते हैं और जिन लोगों को ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम होती रहती है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप हर 15 दिन में ये मसाज करते हैं फेशियल क्रीम से, मतलब पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, फेस की क्लीनिंग करते हैं, तो आपके फेस पे व्हाइटहेड्स, ब्लैकहेड्स बिल्कुल नहीं रहेंगे, दाग धब्बे नहीं रहेंगे, स्किन आपकी बिल्कुल चिकनी चिकनी, सॉफ्ट और स्मूद रहेगी। बस ध्यान ये रखना है कि फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं वो सारे अपर डायरेक्शन में होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे दूसरे वीडियोज़ में जाके, मैंने डिटेल में फेशियल के स्टेप्स बताए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और उस तरीके से आप फेशियल मसाज कीजिए। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। तो अब बारी है लास्ट स्टेप की, जो कि है फेस पैक। फेस पैक स्किन के टेक्सचर को सुधारता है, स्किन की डीप क्लीनिंग करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। फेस पैक ड्राई, ऑयली और एक्ने जैसी कई स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है। फेस पैक जो होता है वो चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखता है। तो फेस पैक जो है वो आपको अपर डायरेक्शन में लगाना है, जिससे आपकी स्किन टाइट रहती है, खिंची खिंची नहीं रहती है और फेशियल के बाद पैक लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको इसको सूखने तक लगाए रखना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद आपको वॉश कर लेना है आपके फेस को और बाद में आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। घर पे क्लीनअप कैसे करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।